सभी दुकानों पर मराठी में बोर्ड नहीं लगा तो दुकानदारों को मन से स्टाइल में सिखाएंगे सबक, मन सैनिकों ने भी चेतावनी। उद्धव और शिंदे को दोनों को ही दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में नहीं मिली अनुमति। बीएमसी ने कहा किसी को भी अनुमति दी तो मुंबई में बढ़ेगा तनाव, कल हाईकोर्ट में सुनवाई। संजय राउत भाजपा में 12 सांसदों के साथ आने के लिए तैयार थे, नितेश रानी का सनसनीखेज खुलासा। शिंदे गुर्जर भाजपा की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा, नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को दी धमकी। अमित शाह को धमकी देने की औकात है क्या, नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे से किया सवाल। कान के नीचे नहीं मारने का तो क्या पूजा करने का, नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर किया जोरदार हमला, भड़के शिवसैनिक। 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए मुंबई हवाई अड्डे का उड़ान संचालन रहेगा बंद, दोनों रनवे पर मरम्मत और रखरखाव के काम के लिए लिया गया फैसला। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल की खराबी से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, यात्रियों को हुई दिक्कत, ट्रैक पर चलते दिखे लोग। देश में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड, महाराष्ट्र के पुणे, नवी मुंबई, भिवंडी में भी छापेमारी शुरू, पीएफआई के 20 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। उल्हासनगर में बड़ा हादसा, इमारत की स्लैब गिरने से 4 की मौत, 1 घायल। राज ठाकरे का विदर्भ दौरा हुआ पूरा, अमरावती से मुंबई के लिए निकले राज ठाकरे, स्टेशन पर मनसैनिकों की भारी भीड़। मुंबई के बाद अब थाने में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रा को थाने नगर निगम से 185 करोड़ का ठेका मिला। सोमवार से मुंबई करों को ऑटो टैक्सी मिलने में होगी दिक्कत, किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर होगी हड़ताल। मुंबई गांधीनगर के बीच सफर करना होगा अब और आसान, 30 सितंबर से शुरू हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जिन्होंने गद्दी के लिए हिंदुत्व छोड़ा वो हमें गद्दार बुला रहे हैं, सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। फोन पे मुंबई से कर्नाटक शिफ्ट करेगा अपना कार्यालय, फोन पे ने इसके लिए अखबारों में सूचना भी दी है। दिसंबर 2023 तक शुरू हो सकता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इस प्रकल्प का 84% काम पूरा। संजय गांधी राष्ट्रीय उड़ान में फिर से शुरू होगी वन रानी ट्रेन, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने की घोषणा। एटीएस छावे में कोल्हापुर से अब्दुल मौला गिरफ्तार, औरंगाबाद में पीएफआई दफ्तर सील। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर जल लगाई जाएगी वाटर वेंडिंग मशीन, यात्रियों को सस्ते में मिलेगा पानी। आरबीआई ने रूपी बैंक के बाद अब लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, जमाकर्ता कर सकते हैं 5 लाख तक क्लेम। मध्य रेलवे ने मुंबई जाने वाली ट्रेनों के सभी एसी सीट एयर इकोनॉमिक कोचों में लीनन प्रदान करने का निर्णय लिया। सेंसेक्स 263 अंक टूटा, निफ्टी भी 98 अंक कमजोर। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी, सोना 50,200 रुपए तोला, वही चांदी 58,000 रुपए किलो। नागपुर में एसटी और प्राइवेट बस हुई भीषण हादसे का शिकार, 17 यात्री घायल। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी, अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए, हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।